प्रेज लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको मेरा नमस्कार। हम आज एक नई सीरीज को चालू करने जा रहे हैं, जहां पर हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि मसीह जीवन के लिए जो नींव डालने वाले जो सब्जेक्ट्स हैं, जिसके साथ हम अपने विश्वासी जीवन को मजबूत कर सकते हैं, उन बातों को हम सीखने जा रहे हैं। सो आज हम देखेंगे कि परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना किस उद्देश्य से की। जब परमेश्वर ने मनुष्य को रचा तो उसके दिमाग में क्या चल रहा था, इसको हम देखेंगे। क्योंकि जितना हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि हमारी उत्पत्ति के पीछे परमेश्वर का जो एक बड़ा लक्ष्य था, एक बड़ा उद्देश्य था, वह कितना अद्भुत है, और जितना ज़्यादा हम इसे जानेंगे उतना ज़्यादा हमारे अंदर क्या आएगा, विश्वास और आशा उत्पन्न होगी। तो मेरे साथ निकालेंगे इफिसियों की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका 3-5 में लिखा है कि किस प्रकार परमेश्वर ने जगत की सृष्टि से पहले कुछ चीजों को अपने दिल में उसको निश्चय कर लिया, उसको दृढ़ता से उसको ठान लिया, और उसके बाद परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की और उसको प्रारंभ किया, उस प्रोजेक्ट को। देखिए वहां पर लिखा है इफिसियों का पहला अध्याय, उसका 3, 4 और 5 मैं पढ़ूंगा, आप मेरे साथ परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति के पहले से उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंत मेंत दिया। यहां पर परमेश्वर का वचन सिखाता है कि जगत की उत्पत्ति के पहले से परमेश्वर ने हमें चुन लिया, यीशु मसीह में चुन लिया, और किस लिए चुना, ताकि हम यीशु मसीह के अनुसार यीशु मसीह के सदृश में बढ़े, और उसने हमें लेपालक पन के लिए अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। मैं इसको और सिंप्लीफाई करके या फिर सरल रीति से आपको समझाना चाहता हूँ। हमारा जो परमेश्वर है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, एक परिवार है। और देखिए, प्रेम में पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने जगत की उत्पत्ति से पहले से ही हमें चुन लिया, यीशु मसीह ने हमें चुन लिया, आपको चुन लिया। इस बात को जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमें जानना, परमेश्वर को हमें जानना और उसके रास्तों पर चलना, हम कैसे इन बातों में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो पहला जो हम आज मनन कर रहे हैं, हम यहाँ देखते हैं कि सृष्टि की रचना से पहले ही परमेश्वर ने हमें चुन लिया और उसने अपना मन हमारी ओर लगा लिया, आपकी ओर लगा लिया। आप यीशु मसीह में चुने गए हैं। कब चुना? सृष्टि की रचना से पहले ही, जगत की नींव डालने से पहले ही परमेश्वर ने एक बहुत ही अद्भुत योजना रची, और उस योजना के अंदर उसने हमें चुन लिया, मानव जाति को चुन लिया। देखिए, ये हमारे लिए ये जो सोच है बड़ी है, क्योंकि कई बार हमें ऐसा लगता है कि जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया तब प्रभु ने हमें चुना, लेकिन यहां परमेश्वर का वचन कहता है कि जगत की उत्पत्ति के पहले ही उसने चुन लिया और ठान लिया कि हम यीशु मसीह में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के परिवार का हिस्सा बन जाएं, और यीशु मसीह के सदृश हम क्या करें, उसके डील डॉल में आगे
बढ़े और उसके परिवार का हिस्सा बनते हुए यीशु मसीह की जो जो उत्तरदायित्व है उसको हम अपना लें। यीशु मसीह के समान हम क्या करें, जिस प्रकार यीशु मसीह पिता और पवित्र आत्मा की संगति को अनुभव करते और उसे 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 एक्सपीरियंस करते हैं, वैसा हम भी एक्सपीरियंस करें। इसलिए परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले ही चुन लिया, अपने में चुन लिया। देखिए यह बात कितनी अद्भुत है कि आपको परमेश्वर ने चुना है। आप कोई आप किसी गलती से यहाँ पर संसार में प्रवेश नहीं किए। यू आर नॉट अ मिस्टेक। परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको परमेश्वर ने क्या किया, जब आप माता के गर्भ में रचे गए थे, जब आपके जो एक एक अंग गर्भ में, माता के गर्भ में जब आपके एक एक अंग जब बन रहे थे, परमेश्वर की दृष्टि आप पर थी और यीशु मसीह में आप चुन लिए गए हैं। ये बात हमारे लिए बहुत ही अद्भुत है कि कैसे परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति के पहले ही चुन लिया और इसीलिए उसने पूरे संसार की सृष्टि की। देखिए पहले हम उसके मन में समा गए, यीशु मसीह में हम चुन लिए गए। इसलिए जब यीशु मसीह आए, जब यीशु मसीह ने प्रचार किया, यीशु मसीह कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना लेकिन मैंने तुम्हें चुन लिया है। भाइयों बहनों, आपको यीशु मसीह ने चुन लिया है, आप चुने हुए जन हैं, परमेश्वर की निज प्रजा हैं। हालेलुया। और आपको इस बात को आज समझना है कि यीशु मसीह का जो फोकस है, उसके प्यार का जो फोकस है आपके ऊपर है। जब हम फोटोग्राफी करते हैं, किसी पिक्चर को हम लेते हैं, तो क्या करते हैं, हम कैमरा में जिस किसी का भी फोटो लेना चाहते हैं उसके ऊपर हम फोकस करते हैं, ठीक है। उसको फोकस करने से क्या होता है, जो भी बाकी जो जो चीज़ें हैं वो ब्लर हो जाती, यानी कि वो बैकग्राउंड से हम उसे क्या करते हैं, उसके ऊपर अटेंशन नहीं देते। लेकिन जो फोकस में है, जिस किसी भी प्रिय व्यक्ति का फोटो लेना, उसके ऊपर हम फोकस करके क्या करते हैं, फोटो लेते हैं। देखिए यीशु मसीह ने, पिता और पवित्र आत्मा ने जगत की उत्पत्ति के पहले पता है किसके ऊपर फोकस किया, आपके ऊपर फोकस किया, हमारे ऊपर फोकस किया, मानव जाति के ऊपर फोकस किया। और कैसे उस पर फोकस किया, अपने प्यार का फोकस लगा दिया और उसके दिल में उसने ये बात ठान ली कि मैं तुम्हें क्या करूंगा, अपने परिवार का हिस्सा बनाकर ही छोड़ूंगा। इसलिए हम देखते हैं कि जब हम पापी ही थे, रोमियो 5वें अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर ने अपना प्रेम इस प्रकार से प्रकट किया कि उसने हमें चुन लिया जब हम पापी ही थे। तो देखिए यहां पर हमें समझ में आती है कि किस प्रकार सृष्टि के प्रारंभ होने से के पहले ही हम परमेश्वर में, यीशु मसीह में चुन लिए गए हैं। और जब हमें इस बात का आभास हो जाता है कि हमें चुना गया है, कि हमारी जो उत्पत्ति हुई है वो परमेश्वर की एक महान योजना का फल है, तो हमारे अंदर क्या आ जाता है, ढाढ़स आ जाता है, हियाव आ जाता है। क्योंकि कई बार हमने ऐसा सुना है कि जब परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने क्या किया, बलवा कर दिया और उसकी जो महिमा से वे गिर गए, तो क्या हुआ, परमेश्वर को स्वर्ग में एक वर्शिप लीडर की जरूरत पड़ी, इसलिए उसने आदम और हव्वा को बनाया। कई बार ऐसे ऐसे टीचिंग सुनने में आते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, परमेश्वर ने आपको किसी का रिप्लेसमेंट करके नहीं चुना। आपको उसने संसार की उत्पत्ति के पहले से ही चुना ताकि आप उसके परिवार का सदस्य बन जाए। हालेलुया। पूरे संसार की उत्पत्ति और मानव जाति की उत्पत्ति के पीछे ये क्या कारण था, ये कारण ये है कि परमेश्वर में हम उसके लिए चुने जाएं ताकि उसके द्वारा पिता के अंदर जो जो इतनी सारी चीजें यीशु मसीह ने जो हमारे लिए रखी हैं उसको हम अनुभव करें पवित्र आत्मा के द्वारा।
इसलिए परमेश्वर ने हमें चुना। जब ये हम अपने दिल में ठान लेंगे तो हमारे अंदर शांति आने लगेगी। हालेलुया। बाइबल में हम पढ़ते एक व्यक्ति था जकई, जो जकई नाम का ये जो व्यक्ति था यीशु मसीह को देखना चाहता था, और उसने क्या किया, एक पेड़ के ऊपर चढ़ करके वो यीशु मसीह का इंतजार कर रहा है, और क्योंकि उसने सुना है कि यीशु मसीह बड़े बड़े काम करते हैं, अद्भुत काम करते हैं, चंगा करते हैं, तो उसके दिल में भी ये इच्छा थी कि मैं यीशु मसीह को देखूं। जब यीशु मसीह उस पेड़ के नीचे आते और देखते हैं, अपना सिर उठा करके बोलते, जकई तू नीचे आ, आज मुझे क्या करना है, तेरे घर में खाना खाना है। देखिए, जकई सोचा कि मैं बस दूर से छुप करके क्या करूंगा, यीशु मसीह का दर्शन पालूंगा, बस काफी है। लेकिन देखिए, यीशु मसीह ने जकई को पहले से ही जान लिया। जब वह उस गुलर के पेड़ के ऊपर चढ़ने की कामना कर रहा था, सोच या प्लानिंग कर रहा था, उसके पहले से यीशु मसीह ने जान लिया कि यहां पर एक व्यक्ति मेरे लिए क्या कर रहा है, रुका हुआ है। और उस दिन हम देखते हैं कि यीशु मसीह जकई के घर में जाते हैं और उसके साथ खाना खाते हैं, और उसके चलते उस परिवार में उद्धार आ जाता है। हालेलुया। देखिए, आप हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि आपको यीशु मसीह नहीं जानता, लेकिन आज हम सीख रहे हैं कि जगत की उत्पत्ति के पहले से ही वह आपको जानता है, और इसलिए उसने क्या किया, आपके ऊपर अपना फोकस लगा दिया है, प्यार का फोकस, और उस प्यार में कोई कमी नहीं होती है। इसलिए हम देखते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए आया ताकि परमेश्वर के इस महान उद्देश्य को वह पूरा करे, ताकि वह हमारे स्थान पर पापी ठहराए जाए और उसके स्थान पर हम धार्मिकता को ग्रहण करें और पिता के और पवित्र आत्मा और पुत्र के इस परिवार का हिस्सा बन जाए। हालेलुया। जितना ज्यादा हम इस पर मनन करेंगे, उतना ज्यादा हमें पता चलेगा कि परमेश्वर की जो इच्छा है यीशु मसीह में हमारे लिए पूरी हो गई है। हमें उसने अपने परिवार का हिस्सा बना लिया है, और क्या हमने क्या इसे कमाया, या फिर अपने सामर्थ्य से या अपने धार्मिकता से क्या इसे हमने स्वीकार किया, नहीं, यह परमेश्वर का गिफ्ट है। हालेलुया। यह परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ यीशु मसीह के द्वारा। हमने कुछ भी अच्छे काम नहीं किए, लेकिन यीशु मसीह ने हमारे लिए पिता के इस उद्देश्य को पूरा कर दिया। तो क्या आज आप विश्वास करेंगे कि आप पिता पुत्र पवित्र आत्मा के इस परिवार का हिस्सा हैं? हालेलुया। और प्रतिदिन परमेश्वर की यह योजना है कि आप इस परिवार का हिस्सा बनते हुए यीशु मसीह के हाथ से जीवन के जो 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 भेंट है, जीवन की जो भेंटें हैं, उसको हम रोज हासिल करें। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंत मेंत दिया, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा मिला, अर्थात अपराधों की क्षमा, और उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया। देखिए, परमेश्वर के अनुग्रह का धन कितना बड़ा है कि हम जब पापी ही थे, परमेश्वर ने हमें चुन लिया ताकि हम उसके परिवार का हिस्सा बन जाए, और आज हम उसके परिवार का हिस्सा हैं। सो हिस्सा बनने से हमें क्या मिलता है? हिस्सा बनने से हमें इस बात का आभास होता है कि जिस प्रकार यीशु मसीह पिता को मानते थे, पिता की बात को सुनते थे, पिता के सामर्थ को प्राप्त करते थे, उसी प्रकार आज हम भी यीशु मसीह और पिता की इस रिलेशनशिप में जुड़ चुके हैं। यीशु मसीह ने हमें पिता से इस प्रकार से जोड़ दिया है ताकि हम भी पिता को
उसी प्रकार से अनुभव करें जिस प्रकार से यीशु मसीह पिता को अनुभव करते हैं, जिस प्रकार यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ में चलते हैं, उस प्रकार हम भी यीशु मसीह के साथ उस सामर्थ को चखे और उसमें चल सके, इसके लिए हमें चुन लिया है। यह कितना अद्भुत है। हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने लोगों को इस प्रकार से प्रभावित किया जब वो मिनिस्ट्री करते थे, अपने सामर्थ से, अपने प्यार से इस प्रकार से लोगों को उसने स्पर्श किया कि उनका जीवन हमेशा के लिए परिवर्तित हो गया। हम देखते हैं कि जो मरियम, मगदलनी मरियम थी, उसके अंदर से यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को भगाया था, और हम देखते हैं कि उसके जीवन में यीशु मसीह का प्यार ने ऐसा काम किया कि उसके जीवन से जो भी कमियां थी, जो भी बुरे स्वभाव थे, सब चले गए। और हम देखते हैं कि ये जो मरियम मगदलनी थी, उसने यीशु मसीह को पहली बार जब यीशु मसीह जब जी उठे और पुनरुत्थान के उस दिन में, हम देखते हैं कि मरियम मगदलनी ने यीशु मसीह को पहली बार देखा, पहली बार यीशु मसीह उसको प्रकट हुए। देखिए, जो स्त्री दुष्टात्मा से पीड़ित थी, जिसका जीवन क्या था, पाप में फंसा हुआ था, किस प्रकार ने यीशु मसीह ने उसके जीवन को पूरी रीति से पलट दिया। और देखते हैं कि ये स्त्री पुनरुत्थान के टाइम में पहला रेवलेशन यीशु मसीह का इन्हीं को मिला। देखिए, आपके जीवन में भले ही कैसी भी अवस्था में आप क्यों ना हो, लेकिन आपको, जैसे यीशु मसीह ने मगदलनी मरियम को चुन लिया, आपको चुन लिया है। कब चुना? क्या जब आपके अंदर कुछ अच्छाई थी तब चुना? नहीं, जब हमारे अंदर कोई भी अच्छाई नहीं थी, यीशु मसीह ने आपको चुन लिया ताकि आप भी यीशु मसीह को स्वयं आप उसे अनुभव करें, जिस प्रकार मरियम मगदलनी ने यीशु मसीह के पुनरुत्थान को देखा और समझा, और उसने कहा, हे स्वामी, तू जी उठाए करके उसे जब आभास हुआ, उसका जीवन इतना खुशी से भर गया। हालेलुया। देखिए, वह संतुष्टि, वह आनंद आज यीशु मसीह आपको देना चाहते हैं। इसलिए आज आपके अंदर जो भी ऐसे सवाल उठते, क्या परमेश्वर मुझे जानता है, क्या मैं किसी भूल के कारण यहां पर संसार में आया, हो सकता है आपके अंदर काफी सारे आपने मिस्टेक्स किए हो, फेलियर्स के थ्रू आप गुजरे हो, आपको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में काफी गलतियां हुई हैं, पाप हुए हैं, तो क्या परमेश्वर मुझे जानता है? हाँ, परमेश्वर आपको जानता है, यीशु मसीह आपको समझता है, और आपकी उत्पत्ति होने के पहले से ही आपको चुन लिया है। मतलब यीशु मसीह ने आपको एक अद्भुत जीवन के लिए चुन लिया है। इस बात को आज आपके जीवन में आपको बिल्कुल ठान लेना है। हालेलुया। यर्मिया की पुस्तक में यर्मिया भविष्यवक्ता को यीशु मसीह परमेश्वर क्या करते हैं, उसको एक वचन देते, कहते कि तू जब माता की गर्भ में था, मैंने तुझे चुना और तुझे अलग कर दिया ताकि तू संसार के लिए एक भविष्यवक्ता के रूप में नियुक्त हो। देखिए, यर्मिया, उसको परमेश्वर कहते हैं कि मैंने तुझे माता के गर्भ में चुना और अलग किया, किसके लिए? मेरे वचन को सुनाने के लिए। हालेलुया। आज आपको परमेश्वर ने चुन लिया, एक लज्जा से भरे हुए जीवन के लिए नहीं, परंतु महिमा में, यीशु मसीह की महिमा में जीवन के लिए आपको चुना, ताकि आपके जरिए परमेश्वर की महिमा होने पाए। जितना ज्यादा हम इसे जानेंगे, उतना ज्यादा आपके अंदर डिलीवरेंस आएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि कई बार शैतान आपके दिमाग में, आपके अंदर इस डाउट को लेकर के आता और कहता है कि हो सकता है यू आर अ मिस्टेक, मतलब यू आर नॉट सपोज टू बी बॉर्न, यानी कि तेरा जन्म ही नहीं होना था,
और कई बार जब हम अपने आप को कोसते हैं और अपने जन्म को कोसते हैं तो क्या हो जाता है, कई बार ये जो सुइसाइडल स्पिरिट्स हैं, आत्महत्या की भावनाएं और कि अरे मैं तुच्छ हूँ, मैं कभी कुछ आगे बढ़ नहीं सकता, मुझे कोई चुन नहीं सकता, ये सब विचार के चलते क्या हो जाता है, हमारे अंदर एक अंधकार भरने लगता है। लेकिन आज उस अंधकार को यीशु मसीह तोड़ रहे हैं। जिस प्रकार उसने जक्कई के अंधकार को तोड़ा और कहा कि मैंने अपनी दृष्टि तुझ पर, हालेलुया, मैंने फोकस ठान लिया है, तेरे ऊपर मेरी दृष्टि लग चुकी है। और कब लगी? संसार की उत्पत्ति के पहले। और इसलिए आज मैं इस वचन के द्वारा तेरे अंदर मैं काम कर रहा हूं कि मैंने कोई गलती नहीं की तुझे बना के, तुझे इस संसार में मैंने इसलिए रखा ताकि तू मुझे जाने और मेरे जरिए तेरी महिमा, हालेलुया, मेरी महिमा तेरे जरिए संसार भर में फैलने पाए, हालेलुया। आज परमेश्वर आपके अंदर इस प्यार को उंडेल रहा है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, तू एक मिस्टेक नहीं है, तुझे मैंने चुना है, अपने लिए चुना है और यीशु मसीह में चुना है और तू मेरे परिवार का सदस्य है, हालेलुया। मूसा ने सोचा कि मेरा जो सेवकाई शायद खत्म हो गया। मूसा के अंदर बहुत बड़ी इच्छा थी कि वो अपने लोगों को छुटकारा दे, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियों के बीच में वो फंस गया, डर के मारे उसे मिस्र छोड़ना पड़ा और वो छोड़ करके भागते 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 वो क्या किया, वह मिद्यान में चला गया, वह फॉरेन कंट्री में चला गया। वहां पर उसे ऐसा लगा कि बस अब कोई फ्यूचर नहीं है और वह क्या करने लगा, अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चलाने लगा। लेकिन देखिए उस समय 40 साल बीत चुके हैं, लेकिन परमेश्वर उसे उस जलती हुई झाड़ियों के बीच में उसे दर्शन देते और कहते कि मूसा, मैंने तुझे चुना है, तू जा मेरे लोगों को क्या कर, छुड़ा, बंधुआई से छुड़ा, गुलामी से छुड़ा। और मूसा अब कांप रहा और बोलता है कि परमेश्वर ये कैसे होगा, मेरे पास तो अब बोलने के लिए मेरी जबान भी काम नहीं कर रही है। लेकिन हम देखते परमेश्वर ने कहा नहीं, मैं तेरे साथ, तू जा। आज हो सकता है आप दर्शन खो चुके, हो सकता है आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं बूढ़ा हो गया हूं या फिर मेरे शरीर में सामर्थ्य नहीं है और आप बोल रहे हो कि परमेश्वर ने मुझे चुना है। हाँ, परमेश्वर ने चुना है और यीशु मसीह जो इमानुएल आपके साथ है वह आज आपको एनकरेज कर रहा है, आपको वह प्रभावित कर रहा है इस वचन के द्वारा और कह रहा है कि मैंने तुझे चुना है, तू मेरा है, मैंने तुझे चुना है, तू मेरा है, इसलिए मैंने यीशु मसीह को भेजा ताकि यीशु मसीह के द्वारा इस बात को तू समझ ले कि तू मेरे परिवार का हिस्सा बन चुका है। और यहां पर लिखा है यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम छुटकारा प्राप्त किए लोग हैं ताकि हमारे अपराधों की क्षमा उसके अनुग्रह के द्वारा हमें मिल चुकी है, हालेलुया। आज हम इस बात पर मनन करते हुए अपने हृदयों को यीशु मसीह को समर्पित करेंगे, हालेलुया, उसकी नजर आप पर लगी हुई है, अपनी नजर को उसके ऊपर लगाएं और इस बात को आज अपने दिल में ठान ले कि मेरी उत्पत्ति, मेरा जो जन्म, मेरे जो जीवन का जो उद्देश्य है परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया है, इसलिए मैं आगे बढ़ूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। आपको हार मानना नहीं है क्योंकि यीशु मसीह आपका हाथ आज पकड़े हुए आपको उठा करके वह स्थापित करना चाहते हैं और कहते हैं कि बेटा मैंने तुझे चुना है, एक भी बार मेरे प्यार का फोकस तुझसे हटा नहीं है और मैं तुझसे इतना प्यार करता हूं ताकि तेरे जीवन में जो भी जो तुझे परेशान कर रही है उन्हें मैं अलग करूंगा और तुझे इस बात में स्थापित करूंगा कि मैंने तुझसे प्यार किया है और उस प्यार में कोई कमी नहीं है, हालेलुया। क्योंकि कई बार ऐसा लगता है हमें कि जब हम
आत्मिक रीति से अच्छा करते तो परमेश्वर का प्यार क्या है 100% रहता है। जब हम आत्मिक रीति से कम रहते, जब हम गलतियां करते या फिर हम गुस्सा करते या फिर गलती से हम पाप कर बैठते तो हमें लगता है कि परमेश्वर का प्यार क्या हो जाता है, कम हो रहा है। लेकिन आज जब हमारा फोकस उसके प्यार की ओर लगेगा कि नहीं, परमेश्वर ने मुझे चुना है और वह मुझसे प्यार करता है और उसके प्यार में कोई कमी नहीं है, तो हमारे अंदर क्या आएगा, ढाढ़स और हियाव आएगा और हम उठकर क्या करेंगे, उसकी ओर भागने लगेंगे। और उसकी ओर भागते हुए क्या होगा, हमारा जीवन और ऊंचाई की ओर जाएगा, नीचाई की ओर नहीं जाएगा। क्योंकि आज हमारे इस दिल में सिक्योरिटी चाहिए। जो भी इनसिक्योर फीलिंग है कि मेरा कोई है कि नहीं, क्या परमेश्वर मुझे छोड़ दिया, ये सब फीलिंग आज प्रभु आज आपसे दूर कर रहा है और आपके अंदर अपने इस हियाव को दे रहा है कि नहीं, मैंने तुझे चुना है, जगत की उत्पत्ति के पहले से चुना है ताकि तू फल लाए और मेरे परिवार का हिस्सा बन के यीशु मसीह में मुझे क्या करे, महसूस करे और मुझे देख कि मैं किस प्रकार से तेरे जीवन को बदल रहा हूं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हमें चुनने के लिए धन्यवाद। पिता, आपने हमें पुत्र में चुना है और हमें आपने अपने परिवार का हिस्सा बनाया है, इसलिए धन्यवाद। हम चाहते हैं कि हमारे भाई बहन जो सुन रहे हैं, इनके जीवन में यीशु मसीह का पोषण आने पाए, यीशु मसीह की जो ज्ञान इनके जीवन में आने पाए ताकि ये परमेश्वर के उस प्रकाशन को देखने पाए कि आप एक मिस्टेक नहीं है। आप सोच रहे हैं कि मैं कैसे आया, मैं कैसे इस संसार में आया, क्या मेरे जीवन का कोई उद्देश्य है कि नहीं। आज यीशु मसीह उन हर एक डाउट्स को दूर कर रहे हैं। आपको यीशु मसीह ने चुन लिया है, जगत की उत्पत्ति के पहले चुना और आप फल लाएंगे। हर एक संकोच, हर एक भय यीशु के नाम से दूर होने पाए और यीशु मसीह की सामर्थ आपके जीवन में प्रवेश करने पाए। यीशु मसीह आपके जीवन को उठा रहे हैं और इस बात को ठान लीजिए कि आपके ऊपर उसका परिवार, उसका उसके परिवार का फोकस, माने पिता पुत्र पवित्र आत्मा का फोकस आपके ऊपर लगा है और वो कभी भी टलेगा नहीं और उसका फोकस आपसे हटेगा नहीं, यीशु के नाम से आमीन।